सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सेटिंग्स की, क्या क्या सेटिंग्स की जरूरत पड़ेगी जब भी आपको ऑसमो पॉकेट को इस केस के अंदर डालना है। तो सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, आपको अंडर वाटर मोड ऑन करना पड़ेगा। अंडर वाटर मोड में क्या होता है कि जब भी हम केस के अंदर रखते हैं तो गिम्बल ज़्यादा मूव ना करें, तो उसके लिए अंडर वाटर मोड बनाया जाता है। क्योंकि इसके अंदर साइड पे तो कोई ऑस्कोप है नहीं कि हम लोग कुछ भी देख सकें, कुछ भी कैमरा में वीडियो बना सकें, जो देखना है सामने से बैठना है देखना है। तो अंडर वाटर मोड में क्या होता है, जो गिम्बल होता है एक पोजिशन में आके फिक्स हो जाता है। ये फिक्स पोजिशन ही हमारे को फ़ायदा देती है, हम लोग उसको रिकॉर्ड कर देती है। तो जो आपका गेम जो अंडर वाटर मोड में जब हम उसको सेट करेंगे तब वो इस पोर्शन के अलावा और कहीं नहीं देखेगा, चाहे आप गिम्बल हो कितना मूव करें, वो गिम्बल मूव हो जाएगा पर वो इसके अलावा और कहीं मूव नहीं करेगा और देखेगा नहीं। तो पहले तो हम लोग वो मोड के बारे में जान लेते हैं। तो आप पहले ऑन कर लीजिए अपने कैमरे को। तो कैमरा जैसे ऑन हो जाएगा तो आप ऊपर से नीचे स्लाइड करेंगे, स्लाइड करने पे आप लोग साइड में जाते जाएंगे तो आपको अलग अलग मोड नजर आएंगे। इसमें से एक मोड होगा ये वाला जिसको हम बोलते हैं अंडर वाटर मोड। इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से परमिशन आएगा कि आप इसको शट डाउन कर दीजिए, पावर ऑफ कर दीजिए। तो हाँ आप इसकी पावर ऑफ कर दीजिए क्योंकि आप अंदर रखते टाइम पे पावर तो ऑफ करेंगे ही। अब जब हमने इसका मोड सेट कर दिया तो अब हम गिम्बल को इसके अंदर फिक्स करते हैं। जो हमारा कैमरा है उसे हम फिक्स करेंगे ऑसमो पॉकेट को। इसको आप खोल लीजिए और इन दो बटन्स के साथ साथ ही आपको ये दो बटन्स को मैच करते हुए इसके अंदर डालना है। तो ये दो बटन्स और इसके दो बटन साथ रहने चाहिए, सीधा ऊपर से अंदर डाल दीजिए। आप थोड़ी देर में महसूस करेंगे कि इसमें जाके फिक्स हो गया, अभी इससे और नीचे नहीं जा रहा है, तो ये पूरी तरह से फिक्स हो गया। इसके बाद में आप इस पर लगा दीजिएगा कवर, तो इसकी रिंग आ गई, अब कवर आ गया। इसके बाद में इस कवर को हम लोग करेंगे बंद कर देंगे। इस तरह से ये कैमरा आपका इसमें हो गया फिक्स, ठीक है। अब मैं इसको आपको ऑन करके दिखाता हूँ। कैमरा आ चुका है, हम उसके अंदर काम पे लग चुका है और सामने से आपको स्क्रीन नजर आ जाएगी यहाँ पे। तो ये स्क्रीन भी आप लोग देख सकते हो और कैमरा भी इसके अंदर फिक्स हो चुका है, वो भी आप लोग देख सकते हो अच्छी तरह से फिक्स हो चुका है पूरा इसके अंदर। अब जो बात आती है कि इस पर कैसे माउंट करेंगे हम लोग, तो इस पर माउंट करने के लिए सबसे बेस्ट है जो मैंने आपको दिखाया था, ये छोटा सा जो मैंने आपको दिखाया था जो माउंट हमारा इस कैमरे के इस केस के साथ में आया था, इस केस इसको ही हम लोग इसके ऊपर लगा देंगे। क्योंकि नीचे आप देख सकते हो इसके नीचे एक छेद है, इसके अंदर ये स्क्रू अच्छे से फिट हो जाएगा, तो इसको हम इसके ऊपर लगा देंगे अच्छे से। इसको आपने लगा दिया तो अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। उसके ऊपर हम लोग चाहे यहाँ से लगाएं चाहे या नीचे से लगाएं, दोनों में से कहीं से भी लगा सकते हो आप, इसको फिक्स कर दीजिए। थोड़ा क्लोज लेके दिखाता हूँ आप इसको कैसे फिक्स करोगे, पर कैमरे को मैं पास लाता हूँ उसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो जो कैमरा है इसमें दो पार्ट्स हैं, या तो आप इसको यहाँ से माउंट कर सकते हो चाहे आप इसको यहाँ से माउंट कर सकते हो। तो इस वाले पोर्शन में हम लोग इसको इस तरह से ले जाके और माउंट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आपको छेद दिख रहे हैं, इन छेदों के थ्रू आपको स्क्रू को डालना है, चारों के थ्रू जाना चाहिए। थोड़ा सा सेटिंग करके आप बिठा लीजिए अपने हिसाब से, आपको आइडिया लग जाएगा या आप देख के भी कर सकते हो। अच्छा मैं देख के कर रहा हूँ। तो इस तरह से आपने देख के लगाया और इसे फिक्स कर लिया, तो ये कुछ इस तरह से आपका फिक्स हो जाएगा पूरे कैमरे के ऊपर। इस तरीके से आपका ये जो माउंट है ये कंप्लीट हो जाएगा। इसको आप जैसे भी चाहो मूव कर सकते हो, आपको दिखा देता हूँ। एक तो देखिए इसमें यहाँ पे जॉइंट है, तो ये यहाँ से मूव कर सकता है, इसको आप यहाँ से लूज करके और इसको चाहो जैसे इसको ऊपर नीचे मूव करवा सकते हो, ठीक है। ये यूट्यूब घूम ही जाएगा, या आप इसको यहाँ पे एक जगह पे फिक्स करना चाहते हो और उस
उसके बाद में आप इसके अंदर जो नॉब है उस नॉब को इसको जो घुमा के आप किधर भी फिक्स कर सकते हो। तो ये पूरा इस तरह से आप पानी के अंदर अगर ऊपर आपने नीचे रख दिया और हल्का पानी साइड में है तो उसको पानी के अंदर ले जा सकते हो, चाहे आप उसको यूँ ऊपर रोटेट करके इधर घुमा सकते हो पूरा और उसको कैसे भी घुमा सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, सब कुछ आपको पता चल गया होगा कि कैसे आपको जो कैमरा है वो इसके अंदर माउंट करना है। इसकी टेस्टिंग भी करेंगे, पानी में डाल के कुछ वीडियोस बनाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा इसमें टेस्ट भी लिखा हुआ है कि इसको आपको 30 मिनट्स के लिए इसमें कुछ कपड़े डाल के या कुछ पेपर डाल के इसको पानी में भिगो के रखना है आधे घंटे तक, ताकि कन्फर्म हो जाए कि इसके अंदर पानी नहीं जाएगा। तो हम लोग वो टेस्ट भी करके देखेंगे कि हाँ सच में इसके अंदर कहीं पानी जाता है या नहीं जाता है, तो उस चीज़ को भी टेस्ट करेंगे कि हाँ ये फुल प्रूफ है, वाटर प्रूफ है भी या नहीं है, क्योंकि इन्होंने जो मैनुअल दी है उस मैनुअल के अंदर ही ऐसा लिखा है, वो भी चेक करेंगे। ताकि और बाकी तो पुष्कर राज जाके और मैं इससे कुछ वीडियो शूट करूँगा, कोशिश करूँगा कि देखते हैं पानी के अंदर हमें कुछ दिख पाता है नहीं दिख पाता है, कितना अच्छे से काम कर रहा है। तो फिलहाल के लिए वीडियो स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जब मैं इसकी टेस्टिंग करूँगा पानी के अंदर।